अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोगों को फ्लोरा एंड फाउना के बारे में डिफरेंस करना सिखाऊंगा। बिकॉज कि हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो आपको मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक से लर्न करवाता जा रहा हूँ, और आई होप कि आप ऑल टॉपिक्स भी साथ साथ रिवाइज कर रहे होंगे। तो मिलते हैं फिर, अब हम इसी वीडियो में आपको मैंने अपने क्रोम ब्राउज़र में अपना डाटा सेव कर रखा है, मैं आपको वहाँ से आपको जस्ट रीड आउट करा देता हूँ और आपने उसे लर्न भी साथ साथ कर लेना जो आपके लिए आगे इम्पोर्टेंट हो, तो आपके लिए एग्जाम्स के लिए भी इम्पोर्टेंट हो सकता है। बिकॉज ये मेन टॉपिक है, बिहार लेवल पे मिलता है टॉपिक फ्लोरा एंड फौना। आप नाम सुन के आपको पता ही लग गया होगा, आज हम इसे पढ़ेंगे डिटेल में। अगर आप छोटी क्लास के हैं तो आप इसे मैं सब कुछ समझा दूंगा, छोटी क्लास के छोटे लेवल के मुताबिक, बड़ी क्लास के बड़े लेवल के मुताबिक, तो फिर मैं आपको आप सिखाता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्हाट इज फ्लोरा? फ्लोरा क्या है? फ्लोरा इज द नेम गिवन टू द कलेक्टिव प्लांट दैट ग्रोज और वन ग्रो इन सर्टेन एरिया और ड्यूरिंग अ गिवन टाइम पीरियड। फ्लोरा क्या है? फ्लोरा हम उस प्लांट को नाम देते हैं जो एक दफ़ा ग्रो हो ऐसे एरिया में, और ऐसे एरिया में जो हमें गिवन टाइम के पीरियड में दिया गया हो। इट यूजुअली रेफर्स टू द नेटिव प्लांट लाइफ प्रेजेंट बट डज इंक्लूड न्यू स्पीशीज that have been introduced as well. The flora and fauna of the earth has name derived from Latin. जो लव फ्लोरा एंड फाउना है ये हमने लैटिन वर्ड से डिराइव किया है। इन द लैंग्वेज फ्लोरा, फ्लोरा बाज गुडेस ऑफ फ्लावर एंड प्लांट। फ्लोरा एक अच्छा मतलब के तमाम पौधों और प्लांट्स का एक बाप है। इन रोमन माइथोलॉजी शी वाज द गुडेस ऑफ फर्टिलिटी एंड सो द प्लांट किंगडम केम टू बी नोन एज फ्लोरा, और इसे फ्लोरा के नाम से जाना जाता है। द स्टूडेंट ऑफ प्लांट लाइफ अराउंड द वर्ल्ड इज वेरी इंटरेस्टिंग सिंस इट्स मैग्निफिसेंट क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लोरा। प्लांट लाइफ ऑन द अर्थ कैन बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम ईच अदर इन अ नंबर ऑफ वेज। द सिंपलेस्ट इज टू डिवाइड ऑन द बेसिस ऑफ रीजन। प्लांट्स दैट ग्रू स्पेसिफिकली इन द माउंटेन्स विल बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम दूस दैट ग्रो इन डेजर्ट। ये कह रहे हैं कि जो प्लांट माउंटेन पे ग्रो होते हैं वो जो और जो डेजर्ट में जो सहरा में ग्रो होते हैं वो एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं, बिकॉज इन्हें अलग अलग इंग्रेडिएंट्स मिले होते हैं। तो हम नीचे पढ़ते हैं। सिमिलरली द प्लांट्स हैव अडॉप्टेड टू लिव इन अंडर वाटर एज क्रिएटेड एज अ यूनिक फॉर्म ऑफ फ्लोरा। साइंटिस्ट कैन आल्सो स्टडी फॉसिल फ्लोरा विच कंप्राइज द प्लांट लाइफ दैट वाज फाउंड इन प्री हिस्टोरिक टाइम। The plant flora and fauna for the earth are also divided on the basis of environment in which it grown or seen naturally. तो आपने यहाँ तक ये समझ लिया होगा कि फ्लोरा क्या चीज़ है, वट इज़ फ्लोरा। अगर आप मीन्स के छोटे क्लास के लेवल के हैं तो आप जैसे यहाँ से फ्लोरा वाला गोडा से लेकर यहाँ तक क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लोरा तक इसकी इम्पोर्टेंस ध्यान कर सकते हैं। तो अगर आप बड़ी क्लास के हैं तो आप ये सारा कर लें, क्योंकि ये आप सबके लिए ये इम्पोर्टेंट रह जाएगा। तो अब मैं आपको रीड कराऊंगा फाउना के बारे में, क्योंकि हमारे पास ये अक्सर डिफरेंस आ जाता है फ्लोरा एंड फाउना के बारे में। तो नीचे हमारे पास है ये व्हाट इज फाउना। फाउना ऑन द अदर हैंड फाउना, ये बाई मिस्टेक में से हो गया होगा, वैसे ये भी सही है। Is the name given to collective animal life that lives or was found in a certain area or time period? Fauna उन plants को नाम देंगे जो हमारे पास just एक दफा ऐसे area में पाए जाएं और ऐसे हमारे given time period के मुताबिक पाए जाएं। In Latin, मतलब means के मैंने आपको पहले भी कहा था fauna and flora Latin words से निकला है। Fauna is derived from three different sources. Fauna by itself was the name of Roman goddess representing fertility and earth, and faunas was another Roman god, and then there were fauns which were known to be forest spirits. Both the flora and fauna of the earth have been given subdivision. मतलब कि हमने scientists ने इन दोनों के subdivision दी है। Fauna also distinguished in many different ways. However, these ways are much more complex than flora division because animal life has evolved into many different forms. To begin with, the animal kingdom by itself is fauna. However, with it we have the avifauna that refers to the birds and piscifauna referring to the fish. These are simpler classifications since they do not cover small single organisms such as bacteria and virus. So,
आप आपको मैंने बाय फ्लोरा एंड फाउना के बारे में डिफरेंशिएट करना सिखा दिया है कि हम इसे कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। जब हमारे पास एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा तो हम इसे इजीली डिफरेंस कर सकेंगे व्हाट इज़ फ्लोरा एंड व्हाट इज़ फाउना या डिफरेंस बिटवीन फ्लोरा एंड फाउना। तो आई होप सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड केयरफुली। सो बस आज की वीडियो यही थी कि फ्लोरा एंड फाउना के बारे में। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।